में आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश में एक धर्मांतरण रैकेट की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि धर्मांतरण के इस रैकेट को विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही होगी। यह मामला कथित तौर पर भगोड़े मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ा हुआ है। यूपी एटीएस को आरोपी उमर गौतम और जाकिर नाइक के सहयोगी बिलाल फिलिप के बीच संबंध के बारे में पता चला है। इस धर्मांतरण रैकेट का मुख्य काम गरीब तथा अपाहिज लोगों के हालात का फायदा उठाकर उन्हें पैसों का लालच देकर इस्लाम कबूल करवाना है। इस रैकेट के तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश से जुड़े होने का पता चला है। रैकेट की फंडिंग दोहा, अबू धाबी, रियाद, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों से किए जाने का यूपीएटीएस को पता चला है। ये थी हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया की खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।